कैथल से पहली बार उज्जैन महाकाल के लिए बस यात्रा भेजी गई है, जिसमें अग्रवाल युवा सभा के प्रधान भूपेश अग्रवाल द्वारा नारियल फोड़कर व हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया है। यह यात्रा प्रयास श्री श्याम रसोई द्वारा चलाई गई है। यह यात्रा आज रवाना हुई है और 2 जनवरी को वापिस आएगी। बता दें कि प्रयास श्री श्याम रसोई लगातार समाज हित में काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं जब अग्रवाल युवा सभा के प्रधान से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। आज हमारे श्याम रसोई की तरफ से जो हमारे छोटे भाई हैं विक्की गोयल जी, वो उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए एक बस की इन्होंने व्यवस्था की है और उसमें लगभग शुल्क है 3600 रुपए का। महाकाल के दर्शन करना जी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से परिवार में से कोई भाग वाला ही होगा जो आज तक जो महाकाल के दर्शन करके आएगा। महाकाल एक कुंभ नगरी है जहाँ पे शिप्रा नदी के अंदर कुंभ लगता है 12 साल के अंदर। और महाकाल पे यूँ कहते हैं जो काल की मृत्यु, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती जो महाकाल के दर्शन कर लेता है। मैं तो 2003 से जा रहा हूँ जी, हर 6 महीने में मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। लोगों से ये जी एक बार महाकाल के दर्शन जरूर करके आए, मेरी सबसे प्रार्थना है भी अपने अपने भाग्य को जगाए और महाकाल के दर्शन करें। महाकाल का क्या कुछ कहना है? वो है जी अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है उस महाकाल का। जी क्या कहना चाहेंगे, पहली बार उज्जैन महाकाल जो है बस यात्रा भेज रहे हैं? सर कैथल के लिए बड़े हर्ष का विषय है और हमारे लिए भी है कि हम उज्जैन महाकाल जो है पहली बस लेकर जा रहे हैं। मुख्य तौर पर कौन पहुंचे? हमारे भाई हैं अपने भूपेश अग्रवाल जी, ये इस बस को झंडी दिखा रहे हैं और तकरीबन 61 यात्री इस बस में सफर करें। इस तरह की व्यवस्था जो है उज्जैन में जो है तमाम यात्रियों के लिए की गई है, कितना सफर रहने वाला है? सर सफर तकरीबन 950 किलोमीटर का सिंगल साइड का 2x2 बस है। ये एसी बस है, लग्जरी बस है, जिसमें मात्र 3600 रुपए की सेवा में यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम बस ले रहे हैं। इस सेवा में आने जाने का खर्चा रहेगा, खाने पीने का, चाय पानी का, रहने का सभी व्यवस्था हम मात्र 3600 रुपए में कर रहे हैं। तो तमाम लोग आप देख रहे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो कहता हूँ कि सभी को ज्यादा से ज्यादा तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ तकरीबन 60 लोग आज चलेंगे और कल पहुंचेंगे परसों नए साल पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। क्या कहना चाहेंगे, आज पहली बस यात्रा उज्जैन के लिए जो भेजी जा रही है जिसमें भूपेश ने हरी झंडी दिखाई? देखिए मुझे इस चीज की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आज कैथल से यात्रियों को लेकर उज्जैन बस जा रही है। बहुत बड़ी बात है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है और इतनी दूरी पे सफर करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो अपनी तरफ से केवल यही कहना चाहता हूँ कि सभी की यात्रा मंगलमय रहे और सभी यात्रियों की जो भी मनोकामना है भगवान उनकी पूर्ण करे। और विशेषकर विक्की भाई को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई हो और प्रधान जी को भूपेश अग्रवाल जी को जो इन धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, इनकी वजह से सभी संस्थाएं का मनोबल बढ़ता भी है और सभी संस्थाएं काम करने के लिए तत्पर भी रहती है। मैं इनको भी विशेष रूप से बताऊँ क्या कुछ कहना चाहेंगे। जय श्री महाकाल। सर मैं 2021 में गया था नए साल पे और मैंने एक सपना देखा था कि एक समय ऐसा है कि कैथल के भक्तों को मैं उज्जैन महाकाल की यात्रा कराऊं और भोलेनाथ ने मेरी वो सुनी और मैं आज 61 भक्तों के साथ उज्जैन महाकाल जा रहा हूँ। व्यवस्था हमने एक्चुअली मेरे महागुरु जो है वो उज्जैन के ही है, तो हमने वहाँ पे एक आश्रम लिया है। उस आश्रम में भक्तों के लिए गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था है नहाने के लिए और रहने के लिए एक बढ़िया हॉल किया है भक्तों के लिए। उसके अलावा वहाँ पे घूमने फिरने के लिए हमने भक्तों के लिए 8 गाड़ियां बुक करी है।